जी काय करी रहे अभी मिर्ची लगाई वो की काय हाल चाल छे और कसी स्थिति छे। अभी पौधा लगाया का 15 दिन हुई गया तो अभी उनका काय करना। जी पौधा लगाया का अपना 15 दिन हुई गया तो वोका पर लीम सत्र को छिड़काव कराया कि नहीं। वो लीम सत्र को छिड़काव तो हमने काले कर दियो पर अभी आरो खाद डालना की दवाई डालना की का यो बताओ तो। दीदी आपने ये तो अच्छो करो की लीम सत्र को छिड़काव कर दियो। देखो जी तुमको हम एक दवाई जीव अमृत बताई दियो उन्हीं दवाई से अपना पौधा स्वस्थ एवं मजबूत रहेगा ना अपनी फसल अच्छी आवेगा। हाँ तो वो जीव अमृत काय होय ओका कसो बनावणो। देखो जी जीव अमृत अपना घर पर ही बना तो वो अभी जीव अमृत बनावना का सामान काय काय लगेगा। जी जी देखो जी जीव अमृत बनावना के लिए ना अपना का देसी गाय को गौमूत्र और गोबर और बेसन गुड़ मेड़ की मिट्टी और पानी चाहिए। चलो जीजी ये चीज ना तो अभी अपना घर पे सब मिली जाएगा। चलो जीजी तब जीव अमृत बनावना के लिए हम सिखाई दियो आप तुमका। ये सामान तो तुमने बताई दियो पर केतरी जमीन पर केतरो लगेगा। देखो जीजी 15 लीटर पानी चाहिए अपना का 300 मिलीलीटर गौमूत्र चाहिए और 300 ग्राम गोबर चाहिए और 50 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी चाहिए मेड़ की। हाँ तो वो दूसरा जानवर को गोबर नहीं चाहिए काय वो देसी गाय को गोबर चाहिए। जीजी देखो जी देसी गाय का गोबर और गौमूत्र एका ले क्योंकि देसी गाय अनाज नहीं खाती क्योंकि जीजी देसी गाय हरो चारो ज्यादा खाए ओका गोबर और गौमूत्र से जीवाणु ज्यादा होए वो अपनी फसल का लेन अच्छो रहे। देखो जीजी वो पूरा सामान अपना 1 बीघा जमीन को 10वां हिस्सा को छे। चलो जीजी अभी सामान तो हम इकट्ठो कर लियो अभी बनावना को सिखा देवो। 15 लीटर पानी छे एक आम देसी गाय को 300 ग्राम गोबर मिलाई देवंगा अच्छो सो। हाँ देखो जी एक बाद अपन देसी गाय को गौमूत्र मिलावांगा। हाँ हाँ बस अभी एका बात का ही करनू छे। देखो जी अपन देसी गाय को गोबर और गौमूत्र मिलाई दियो ओका हाँ। बाद अपन बेसन मिलावांगा। हाँ यो अपनो ग्राम बेसन छे यो डाल देवांगा एका में। हाँ देखो जी एका बाद अपन 3 ग्राम गुड़ मिलाई देवांगा। हाँ देखो जी सब अपन एक काम डाल दिया आखिरी में 1 मुट्ठी मेड़ की मिट्टी मिलावांगा। हाँ तो वो मेड़ की मिट्टी क्यों ले रहे यार। मेड़ की मिट्टी जी एका लेन ली रहा है कि ओका में रासायनिक खाद एवं दवाई नहीं रहे ओका से मेड़ की मिट्टी ली रहा। ठीक ठीक देखो जी 1 मिनट तक एक घड़ी की दिशा में घुमाणु छे। ठीक देखो जीजी अभी सब सामान मिला दियो तभी बनी गयो खाई। देखो जीजी अभी यो नहीं बनियो अभी यो 48 घंटा में बनेगा। जीजी अभी एक थैला से अच्छो बांधी न रखांगा।
ने टाट सी मुंह क्यों बांध दिया? टाट का थैला सी एकासी बांधा क्योंकि ओका में गैस अंदर भी जाए बाहर भी निकले, एकासी जीवाणु ओका अंदर अच्छा रहे। देखो जी अभी अपन एक बांधिन रख दिया, 12 घंटा में एक घड़ी की दिशा में 1 मिनट तक घुमाणु छे। ठीक, हर 12 घंटा में अपना का एक बार घुमाणु छे, आसू घुमाई ना फिर 3 बार घुमाणु छे। एना तरीका से अपना 48 घंटा हो जाएगा या 2 दिन हो जाएगा फिर यो तैयार हो जाएगा। हाँ ये तैयार तो हो जाएगा, एक खेत में कैसे लगाणु छे? देखो जी तुम्हारा जगह स्प्रे करना को पंपर छे। हाँ छे नी। हाँ तो ओकासी छीटी दीजो, नहीं तो फिर वो पानी देवानी लांगी ना ओका मन। हाँ। हाक दीजो तो वो जाती रहे गोड़ में। ठीक, पौधा का देखो जी अगर पंप से स्प्रे करना करने हो तो एक सूती कपड़ा से छानी लेनो। ठीक, तो एक अपन प्लास्टिक की बाल्टी में की मटका में क्या बनाऊं? देखो जी लोहे का बर्तन या स्टील को बर्तन लेवांगा तो अपनो जीव अमृत अच्छो सो नहीं बनागा। ठीक ठीक। देखो जी 12 घंटा बाद 3 बार घुमाणो छे तो याद से घुमाऊ जो और वापस बांध दीजो एक। घर का अंदर छाव में एवं ठंडी जगह ही रखनी चाहिए। हाँ। एक बार बनाई लियो तो कितना दिन तक काम में ली सका? देखो जी बनना का बाद अपन एक 7 दिन तक उपयोग में ली सका, काम में ली सका, बाद में यो खराब हो जाए। देखो जी ये सब मैंने बताया नी, बनाता रह जो और उपयोग करता रह जो। हाँ इतनी जानकारी तुमने हमको दे दी, तुम्हारा धन्यवाद।